बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो टूर एंड टेस्ट में आज जो रेसिपी मैं लेके आया हूं वो है आलू कीमा। तो आइए देखते हैं कि हमारे यहां देहात में आलू कीमा किस तरह बनाया जाता है, और ये बहुत ही सिंपल और बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह बनाया जाएगा। तो आलू कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू काट लेंगे। आलू जो है वो मैं धो के छील के ले आया हूँ, तभी हम इन्हें काटते हैं। आलू जो है उनके हम दो दो पीस कर लेंगे। आलू जो है वो हमने बड़े साइज में रख के काटे हैं। तो ये कीमा हमने कढ़ाई में डाल ली है, और कीमा मैंने लिया है 1.5 किलो। अभी हम इसमें आलू डाल लेते हैं। तीन अदद हम इसमें प्याज इस्तेमाल करेंगे, एक टमाटर, थोड़ा सा अदरक, लहसुन और 6 अदद सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करेंगे। और अभी हम इन तमाम चीज़ों को काट लेते हैं। आग हमने जला ली है, और अभी हम कढ़ाई को चूल्हे पे रखते हैं। कढ़ाई में हमने कीमे के साथ आलू, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, प्याज, ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं। अभी हम लहसुन भी इसमें डाल लेते हैं। लहसुन हमने ग्राइंड नहीं किया, लहसुन साबुत ही इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं, और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें। साथ ही हम इसमें खुश्क मसाला जार डाल लेंगे। सुरख मिर्च हम 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे इसमें। 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल लेंगे। 1.5 चम्मच हम नमक डाल लेंगे, नमक आप हसबे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच हम काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें खुश धनिया डाल लेंगे, इसको हम हाथ से थोड़ा सा मसल के डाल लेंगे। पकाने के 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। तमाम चीज़ें हमने कीमे में डाल दी हैं, और अभी हम इसको ऊपर से ढांप देंगे। और ऊपर से ढांपने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये कढ़ाई को ढांपे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, और अभी हम इसे एक दफ़ा हलाते हैं, और इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह हला लेते हैं। और अभी हम कढ़ाई को दोबारा ऊपर से डांप देंगे। तो ये हमें डांप कर पकाते हुए आधा घंटा हो गया, और अभी हम ऊपर से ढक्कन उतार देते हैं और कीमे को खुला छोड़ के भून लेंगे। तो ये कीमा हमारा भुन गया, और इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो गया। तो मौसम जो है वो भी अचानक बहुत ख़राब हो गया, हवा जो है वो बहुत तेज़ हो गई है। तो हवा जो है वो बहुत तेज़ चलना शुरू हो गई है, और ठंडिया हमारी तैयार हो गई है। अभी हम इसमें सब्ज़ धनिया और गरम मसाला डाल लेते हैं। एक चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल लेंगे। गरम मसाला और सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसे एक दफा मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसको ऊपर से डांप देते हैं, ताकि गरम मसाला और धनिए की खुशबू जो है वो ठंडिया में अच्छी तरह शामिल हो जाए। और अभी हम आलू कीमे को डिश आउट करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं।
तो ये देखें माशाल्लाह आलू कीमा हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया और बड़े बड़े आलू इसमें बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और अभी हम आपको ये टेस्ट करके बताते हैं कि हमारे आलू कीमा कैसा तैयार होगा। हाँ जी अबू जी, ये बच्ची बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको हमारी आलू कीमा की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुबारक अली को दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।